सो गाइज वेलकम बैक अगेन. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से कैसे होगा, आइए चेक करते हैं. हमारे पास में दो इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन. अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों को कोई एक वेरिएबल के, चाहे एक्स हो या वाई हो, किसी एक के वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है. तो आप देखिए, मैं ये वाई के सामने 2 है और ये वाई के सामने 4 है. मैं इस 2 को 4 बना सकता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके. तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे लिखूँगा, चेक करिए. इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 देने के बाद में हम लिखेंगे नाउ बाय मल्टीप्लाइंग. इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है बाय 2. इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने अभी क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन 1 को यहाँ लिख देना है ऐसे, और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, दैट इज 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 8. अब चेक करो कि इन दोनों को ऐड करूं तो ये कैंसिल होंगे, कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये कैंसिल होंगे. आप चेक करके बताओ, अगर आप माइनस करोगे तो नीचे के जो साइन है वो रिवर्स हो जाएंगे, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस कैंसिल नहीं होगा, इसलिए मैं इन्हें ऐड करता हूँ. तो मैंने क्या लिखना है कि मैंने पहले इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, एंड देन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, ऐड कर दिया तो यहाँ के साइन रिवर्स नहीं होंगे. सो 3x प्लस 4x 7x, 4y प्लस, देखिए 4y प्लस माइनस 4y क्या मिलेगा, 4y प्लस इंटू माइनस माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं, 10 प्लस प्लस 8, 18. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x दैट वी गेट, द वैल्यू ऑफ x वी गेट इज, ओके गाइस, नाउ हमने यहां पर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, सो 2 2s आर 4x, 2 2y's आर माइनस 2y एंड 2 2s आर 4. सो 10 प्लस 4 गिव्स अस 14 and this is also 14 and therefore the value of x is 2. चलिए अच्छा है, मैं आप ही के सामने सॉल्व करके बता दे रहा हूं, जो हमसे गलतियां हो सकती है वो भी आपके सामने है. आपको x का वैल्यू 2 मिल गया, अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे पुट x is equal to 2 in any equation, let us say in equation 1, so 3 into x ka value 2 plus 4y is equal to 10. हमने कुछ ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, हमने ये जो x का value है 2 इसे हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, और पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फिर 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10. सो 4y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 6 हो जाएगा, जाके माइनस 6 हो जाएगा, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, और फाइनली y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1. तो आप आखिर में आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1. सो दिस इज हाउ यू कैन राइट एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स.
Let us move on to question number 4 from the same question number 1. So guys, here is the question number 3 on your screen. और बहुत ही चतुराई से उन्होंने इस क्वेश्चन को है ना घुमा फिरा के लिखा हुआ है. हमको तो जैसे समझता ही नहीं कि इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है. इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू. अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो उसे पहले इस फॉर्म में लिखिए. एक्स और वाई एक तरफ, कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा लेट 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 1 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2. इस प्रकार से पहले हमने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आवश्यक है. आगे की प्रोसेस आपको पता है, मुझे बताइए अब किसके कोएफिशिएंट को आप इक्वल कर सकते हैं. आप एक्स के कोएफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं. ये 3 को 9 बनाना कोई आसान बात, मुश्किल बात तो है नहीं. इस पूरे इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर इस 3 को 9 बनाना है. तो आप कहेंगे कि हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12. और हम देखेंगे एक्स के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए हैं. एक तो हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और दूसरा तरीका है अगर आप y को इक्वल करना चाहो. अगर y में आप इक्वल करना चाहो तो एक काम करो, इस 5 को और इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करो, 10 आ रहा है क्योंकि 2 के टेबल में 5 आता नहीं है. तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा. इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम इस क्वेश्चन को जानबूझकर ऐसे सॉल्व करते हैं ताकि आपका ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए. सो गाइस, व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5. इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर उन्हें ऐड किया. एंड देन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 और फिर हम उसे ऐड करेंगे और जब हम उसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चेक. सो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को 5 से, क्योंकि हम y के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्या हो जाना है, 2 3s आर 6x माइनस 2 5s आर 10y इज इक्वल्स टू 2 4s आर 8. नाउ दिस इज 5 इंटू 9 45x माइनस 10y इज इक्वल टू 5 7 35. अब दोनों को हमको ऐड करना है मतलब प्लस. अब एक और चीज, अगर मैं प्लस करूं तो चेक करिए नीचे के साइन चेंज होंगे कि नहीं होंगे. तो गाइस, जब हम चेक करते हैं कि मैं यहां अगर ऐड करूं तो नीचे के साइन चेंज नहीं हो रहे हैं और चेंज नहीं हो रहे हैं, इसलिए माइनस 10 और माइनस 10 जिन्हें हमने इक्वल किया है वो कैंसल आउट नहीं हो रहे हैं. मतलब हमें एडिशन ना करते हुए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे और माइनस की वजह से यहाँ के सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे. तो ये प्लस को माइनस लिखो, ये माइनस को प्लस लिखो और ये प्लस को माइनस. अब चेक करो 6x माइनस 45x
तो 45 में से 6 गया, 39x बड़ा नंबर 45 है, उसका साइन माइनस, ये कैंसल, इज इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 8 विल गिव यू 27, और बड़ा नंबर 35 है, उसका साइन है 27. सो गाइस, यहां से आपको x का वैल्यू मिलेगा माइनस 27 अपॉन माइनस 39, दैट इज माइनस माइनस कैंसल, 27, 39, 3 के टेबल में आते हैं, 3 9s आर 27, 3 13s आर 39, सो देयरफॉर x का वैल्यू आपको मिलेगा 9 अपॉन 13. और x का वैल्यू 9 अपॉन 13 मिलने के बाद ये आपका काम है कि अब आप इस वैल्यू को पुट करिए इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, आपकी मर्जी, और उसमें x की जगह पर इस वैल्यू को रख कर y की वैल्यू आप निकालने की कोशिश करेंगे और चेक करेंगे, अपने आंसर को चेक करेंगे कि y का वैल्यू माइनस 5/13 आ रहा है क्या. अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो सही है. सो गाइस, अब हम आज यहीं पर रुकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बाद के एपिसोड में आपको हम वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाएंगे. तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर.